नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिया मंजूर। आज दिन हजूर। क्या बोलता है रे तू? हाँ गद्दारी तो हुई है सरदार। किसने गद्दारी की है? हाँ तूने? 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 हाँ या तूने? तू तो नहीं ना पुलिस की खबरी? दुश्मन को माफ कर सकता हूं लेकिन गद्दार दोस्त को नहीं। जो खुद बताएगा उसे मैं आसान मौत दूंगा, वरना ऐसी मौत दूंगा कि मौत भी काम जाए। क्या बोलता है रे जग्गा? गद्दार यही है ना सरदार? गद्दार जो कोई भी है वो तो मारा ही जाएगा। रामपुर में हार गए, चलो किशनगंज को चाह के लूटते हैं। मियां मंजूर। अज्जी रजूर। किशनगंज जाने का रास्ता यही है ना? किशनगंज जाने का यही रास्ता है जूर। हम किशनगंज का रास्ता बदल देते हैं। पर सरदार किशनगंज जाने का रास्ता तो ये सबसे आसान है। आसान रास्ते हमेशा धोखेबाज होते हैं। हमने अपना इरादा बदल दिया है, किशनगंज हम यहां से जाएंगे। चलो मंजूर। आदि रजूर। क्या बोलता है रे? वो पुलिस पार्टी जो रामपुर में तैनात थी अब किशनगंज की तरफ रवाना हो रही, यानी किसी खबरी ने खबर दौड़ा दी है कि आप किशनगंज की तरफ जा रहे हैं। सरदार ये तो अच्छा हुआ आपने रास्ता बदलवाकर हम सबका जान बचाई दिया, वरना वहां पुलिस इनकाउंटर में हम सब मारा जाता। हम नहीं, वो जो हमारा दुश्मन है। इस दुश्मन को मैं बाद में लिपट लूंगा, मगर पहले हम रामपुर जाएंगे और अपने सबसे बड़े दुश्मन शंकर को खत्म करेंगे। आग लगा दो शंकर के घर को, बच नहीं पाया आज वो। अरे शंकर के घर के आग लगा दी, शंकर मर जाएगा, शंकर को बचाओ। आग लगा दी। अरे शंकर मारा गया। तो अभी तक जिंदा है। जिसके जीने का कोई मकसद होता है वो मौत से भी लड़कर जिंदा बच जाते हैं। वक्त कभी कभी किसी पर मेहरबान होता है। तेरे लिए अच्छा है कि तू ये गांव छोड़कर चला जा। ये गांव कोई तेरे बाप की जागीर नहीं, जो तेरे कहने पर मैं ये गांव छोड़कर चला जाऊं। गांव नहीं छोड़ा तो दुनिया छोड़नी पड़ेगी। तू मुझे मौत की धमकी दे रहा है जो मौत से गले मिलकर आ चुका है।
लगता है मेरी आंखों में तुझे अपना विनाश नजर आ रहा है। मैं तुझे आखिरी बार समझा रहा हूं, इस गांव वालों का मसीहा बनने की कोशिश मत कर, वरना जय सिंह इस जंगल का शेर है, तुझे बकरी की तरह चबाकर खा जाएगा। तुझे अपने बारे में बहुत बड़ी गलतफहमी है जय सिंह, शेर की टोली नहीं होती, वो अकेला शिकार करता है, लेकिन तू एक पुस्तिल कायर इंसान है जो अपनी फौज लेकर आता है और गरीब कमजोर गांव वालों को लूटता है। मगर अब मैं तेरे रास्ते में फौलाद की दीवार बनकर खड़ा हूं, उन गांव वालों को तेरे जुल्म और अत्याचारों से आजादी दिलाना मेरी जिंदगी का मकसद है। समझ ले कि मैं तेरा काल बनकर आया हूं। लगता है पागल हो गया तू, क्या कि पुलिस आज तक जयसिंह का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तू मुझे मिटाने का सपना देख रहा है। जिसे तू सपना समझ रहा है उसे मैं हकीकत बनाने जा रहा हूं। बात है भाई जी, कोई भयानक सपना देखोगे? नहीं, मुझे लगता है शंकर जिंदा है। और नहीं भाई जी, शंकर आग में जल के मर गए हैं, भीको बचन को कोई रास्ता को नहीं। नहीं भीम सिंह, मेरा दिल कहता है कि शंकर जिंदा है। हमारी सोची समझी चाल फेल हो गई है। सिर्फ फेल ही नहीं हुआ कमांडर, उन लोगों को हमारी चाल पर शक भी हो गया है। अगर शक हुआ है समझ लो कि हमारे लिए कयामत का दिन तय हो गया। यही तो मैं सोच रहा हूँ, इससे पहले के सरदार मुझे खत्म कर डाले क्यों ना मैं उका मार डालूं। तुम सरदार को उसके अड्डे से बाहर निकालो, बाकी मैं देख लूंगा। वो मैं करूंगा। गीता क्या समझती थी मैं इतनी जल्दी तुमको छोड़कर चला जाऊंगा? औरतों को समझना बड़ा मुश्किल है, गम हो तो रोना, खुशी हो तो रोना। आज हम उसको नहीं छोड़ेंगे, किसी भी तरह आज रुपए वसूल करेंगे हम। हाँ बहुत टाइम हो गया उसने पैसे नहीं दिए, क्यों परेशान बैठे हो, तुम्हारा दामाद कहाँ है? चल मेरे घोड़े, चकला भाई ये ले बा, मार ले बउवा, पकड़ ले बउवा। ये क्या कर रहे हो? मैं अपना घोड़ा तैयार कर रहा हूँ रेस के लिए। आप लोग कौन है भाई? हम आपके गांव के रहने वाले हैं भाई, जिन्होंने तुम्हें पैसे दिए थे कर्जा। हाँ मैंने इससे पहले कभी आप लोगों को यहाँ देखा नहीं बाबा, कौन है? मैं तो बर्बाद हो गया। ऐसा कब से हो गया और क्यों हुआ? ये सारा कसूर मेरा है, उससे मैंने इसे भगाया, ये बेचारा गिर गया, इसके सिर पर चोट लग गई और ये सब हो गया। एक काम कीजिए, कल रात को मैंने एक फिल्म देखी थी, उसमें हीरो की ऐसे ही याददाश्त हो गई थी, उसके माँ बाप ने उसकी सुहागरात करवा दी और उसकी याददाश्त वापस आ गई। हाँ पिताजी ये सच कह रहे हैं, फिल्म की बातें कभी छूट नहीं होती। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मैं ऐसा ही करूंगा। ठीक है बेटी। ये क्या हो रहा है बाबा, ये सब क्या चल रहा है, ये कौन है? बेटा ये तुम्हारी बीवी है। बीवी क्या होती है चाचा? बीवी तो बीवी ही होती है। ठीक है मैं देख लेता हूँ क्या होती है बीवी मामा। ठीक है बेटी मैं चलता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं मामा, आपकी सोने की जगह तो ये है पापा। लगता है इसे कुछ कुछ याद आने लगा है। बेटी दरवाजा बंद कर लो। क्या हुआ तुझे? आपकी हालत देख कर। अरे मुझे कुछ हुआ, मैं तो खाली ड्रामा कर रहा था यार। ड्रामा? अरे ड्रामा नहीं करता, तुम्हारा बाप सुहागरात होने नहीं देता। और जो मैं आज तक दुख सहती रही वो? अरे सारा दुख एक रात में मिटा दूंगा, आ जा मेरी जान। गांव वालों देख लो जय सिंह ने क्या किया है, इस लड़की का बलात्कार करके मार दिया,
मैं अकेले ने इनको बचाने की बहुत कोशिश की मगर अफसोस कि बचा नहीं पाया। हाँ बिल्कुल, ये पहली मौत नहीं है, ये आखिरी मौत भी नहीं है। जब तक तुम लोग डाकुओं से डर कर छिपते रहोगे ऐसी मौतें होती रहेंगी। जब डाकुओं का पुलिस कुछ नहीं कर सकी तो हम क्या करेंगे? जो कुछ करना है तुमको खुद करना है। अपनी रक्षा के लिए अपनी ताकत पर भरोसा रखो, अपनी ताकत को पहचानो। मैं तुम लोग को सिखाऊंगा कि किस तरह डाकुओं से लड़ सकते हो। बोलो तैयार हो? तेरे चेहरे पे ये हमारे चेहरे पर शंकर का खूनी दस्तखत है सरदार। वो तो हमारा किस्मत अच्छा था, उके हाथों से हम बच गया। शंकर वो जिंदा है सरदार? जो तुम कह रहे हो वो हमारा दिल पहले से जानता था। वो जिंदा है जरूर लेकिन अब नहीं रहेगा। आओ कमांडर, ये अपने हाथ में का लाए हो? ये तुम्हारी जन्म पत्री है, चाहो तो अपनी तकदीर को बुलंदी पर ले जा सकते हो। ओह कैसन भैया, दस लाख का इनाम। सोचो मत मेरे यार, जय सिंह को पकड़ा दो, रुपया भी पाओगे और गैंग की सरदारी भी। क्या बात है सरदार, बहुत उदास हो? इका भेजे मैं अंडा मारू। सरकार ने हमारे सर की कीमत सिर्फ 10 लाख रुपए ही लगाए और ऊपर से हमारा फोटो भी अच्छा नहीं छापा। बीरू सरदार बीरू, ये सब के पीछे और सुसरे खबरी बीरू का हाथ है। मैं तो कहता हूँ चल के गोली से उड़ा देते उसे। गोलियां? वीरू की जिंदगी भाई इतनी कीमती नहीं कि उसके लिए इतनी सारी गोलियां खर्चे। उसके लिए तो सिर्फ एक ही गोली काफी है। फिर वो गोली निकाल लो सरदार, ऊ का खर्च करने का यही दिन है। वो देखो सरदार, वीरू अभी अभी अकेला मंदिर गया, यही अच्छा मौका है उसे खत्म करने का। चलो जय भवानी की। नहीं, वहां तो सिर्फ हम तीनों ही जाएंगे वरना शिकार हाथ से निकल जाएगा। ये ठीक कहते सरदार, वहां तो हम सिर्फ तीनों ही जाएंगे। क्यों मियां मंजूर? हाजी रजूर। क्या बोलता है रे? ये बात मन ने तो समझ में नहीं आवे हजूर। मन ने तो बिल्कुल समझ में आवे, जाएंगे तो हम तीन ही। चलो सरदार। नहीं, तुम इनके साथ नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि क्योंकि मेरा दिल धड़क रहा है। तुम्हारे दिल के धड़कन को कहो कि ज्यादा धड़का ना करे। चाप। कहावत है, जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है उसे खाई मिलती है। तुम लोग मुझे मारना चाहते थे ना, लेकिन तुम ये भूल गए कि मैं सरदार था, सरदार हूं और सरदार रहूंगा। Oh!
बेवकूफी कर रही हो? हा? पूजा कर रही हूँ, और अब पूछोगे कि क्यों कर रही हूँ? वो इसलिए कि तुम पर खतरा है। बाहर पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है और अंदर तुम्हारे साथी तुम्हें धोखा देना चाह रहे हैं। औरतों को तो सिर्फ एक ही काम आता है, डरना। हंसो मत, तुम्हारा दिल डाकू का नहीं है। फिर ये सब छोड़ क्यों नहीं देते? और हम अपना घर बसाकर कम से कम शांति से तो रहते। अरे इसके लिए यहाँ पूजा कर रही हो? यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, ये ठाकुर का बनाया हुआ है, यहाँ ठाकुर का ही भला होगा। महीने के 20 दिन मेरी माँ इनका व्रत रखती थी, क्या मिला उन्हें? उनकी लाश को कफन तक नसीब नहीं हुआ। मंदिर के सीढ़ी पर माथा टेकते टेकते मेरे बाप का माथा घिस गया, लेकिन उनकी बदनसीबी की लकीर नहीं मिटी। मेरी बहन, जाने दो उसे, अगर मेरी बहन की कहानी कहूंगा तो जबान चल जाएगी। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें वो हो जो मेरी बहन के साथ हुआ। वादा करो तुम यहां नहीं होगी। चलो मेरे साथ।